फौजी सांसद ज्योत्सना चरण दास महंत कटघोरा के ग्राम पंचायत लोधलोता और विजयपुर पहुंची। सांसद ने उचित मूल्य की दुकान और आंगनबाड़ी भवन का इस दौरान लोकार्पण किया। उन्होंने मितानिन कार्यकर्ताओं का भी सम्मान किया और भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुई। कोरबा लोकसभा सांसद ज्योत्सना चरण दास महंत दो दिवसीय प्रवास पर कोरबा पहुंची हुई है, जहां उन्होंने कटघोरा ब्लॉक के ग्राम पंचायत लोधलोता में नवनिर्मित उचित मूल्य की दुकान और आंगनबाड़ी का लोकार्पण किया। इस दौरान एनटीपीसी राखा डैम से प्रभावित ग्रामीणों को 13 लाख की क्षतिपूर्ति राशि का चेक भी बांटा गया। ग्राम पंचायत विजयपुर में 54 लाख से बनने वाले मितानिन भवन का लोकार्पण किया गया और कोरोना काल में सक्रिय रही मितानिनों को कोरोना योद्धा सम्मान से भी सम्मानित किया गया। सांसद के साथ कटघोरा विधायक पुरुषोत्तम कंवर भी इस दौरान मौजूद रहे। उतरदा भी जाना है। अभी क्या है कि कोरोना था तो हम लोग 2 साल तक उसी में उलझे थे और हमको सरकार की तरफ से ये निर्देश थे कि हम लोग जाके भीड़ इकट्ठा ना करें, क्योंकि भीड़ होगी तो बीमारी फैल सकती थी। अब चूंकि तीसरी वेव भी लहर चली गई और अब आने के कोई चांस नहीं दिख रहे हैं, इसलिए मैंने अब शुरू किया है। तो अभी मेरा कटघोरा तानाखा रामपुर में कल था, फिर है, तो ये सब अब मैं शुरू कर रही हूँ। तो जा के जन समस्याओं को सुनना और लोगों की जो समस्याएं हैं उनके अनुसार काम करना और क्षेत्रीय विधायक को भी बताना। तुम लगातार ग्रामीण क्षेत्र में दौरा कर रही हैं, किस तरह की समस्याएं आ रही हैं और क्या निराकरण? देखिए, समस्याएं तो ग्रामीण बहुत सीधे होते हैं और बेचारे, उनके पास समस्या क्या राशन की रहती है, पेंशन की रहती है और एक पट्टा की रहती है। तो वो सारी चीज़ें हमने कलेक्टर डिस्कस की हैं दिशा मीटिंग में और कहा है कि अगली दिशा मीटिंग तक ये सारी चीज़ों को निराकृत होना चाहिए और वो कर भी रही हैं। अभी पाली में लगाया था, अभी एक जगह और कहीं रामपुर में लगाया था, अभी रामपुर में लगा रही हैं। तो ये क्या है कि जन निवारण जो वो लगा रही हैं समस्या निवारण का, तो उससे हम लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा और गांव के लोग 15-15, 20-20 गांव के लोग इकट्ठे होके अपने राशन कार्ड और पेंशन को बनवा रहे हैं। बिल्कुल अच्छी बात है। हमारे ससुर महन जी के पिताजी और प्यारे लाल जी एक आपस में बहुत आत्मीय, उनका प्रेम था और बहुत अच्छी बात है कि चिकित्सालय उनके नाम से हुआ और बाबूजी के नाम से महाविद्यालय हो जाएगा। हमको नाम से मतलब है, लेकिन हमें काम से ज़्यादा मतलब है कि हम क्षेत्रीय लोगों को वो सारी सुख सुविधाएं दे सकें जो कि हमारे क्षेत्र को चाहिए। और यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज आने से हमारे लोकल के जितने बच्चे हैं वो डॉक्टर बनेंगे और ये बिल्कुल ही निश्चित है कि वो अपने गांवों में अपनी सेवाएं देंगे। ये नाम तो सिर्फ बात है, यदि ये चीज़ पहले होती तो पहले भी हो जाती, इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। परेशानियाँ हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है, इसके बारे में हमने अभी बात भी की है, लेकिन अभी केंद्रीय मंत्री से मिलके इसके बारे में भी कुछ करेंगे या फिर कंपनी के मालिक से कहेंगे कि भाई वो कुछ ऐसा करें तो सीमेंट को बेचें कंपनीज को या कुछ ऐसा काम करें। अभी तो सड़क भी निर्माण उसी से हो रहा है, तो उसका निदान तो करना पड़ेगा। पोल्यूशन तो बहुत है कोरबा में, ये बात तो है। कोरबा जिले में रेल सुविधाओं को लेकर भी आप केंद्रीय मंत्री? हाँ, मैं मिली हूँ रेल मंत्री से और उन्होंने अभी आश्वासन तो दिया है और कहा है गेवरा से जो बंद गाड़ियाँ चलती जो कि साप्ताहिक थी, जो अब रेगुलर चलना चाहिए, छत्तीसगढ़ को यहाँ लाना, यार्ड बनाना, सफाई का, उसको धुला धुलू के फिर यहीं से स्टार्ट करना, ये सब बातें हुई हैं, बड़ी डिटेल में हुई हैं। बैकुंठपुर में स्टेशन का निर्माण अच्छा होना, बातें तो बहुत हुई हैं और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम जल्द से जल्द ये काम करेंगे। और फिर यदि हमारी जो जनता है वो दुखी तो है इसको लेके, क्योंकि ये मिनी भारत है और यहाँ भारत के कई स्टेट के लोग काम करते हैं और उनको कनेक्टिविटी नहीं मिल पाती है, तो यदि वो आंदोलन करेंगे, यदि हमारी केंद्रीय सरकार इस चीज़ को नहीं मानेगी तो वो जन आंदोलन करें और जो भी आंदोलन करेंगे उसमें हम और महन जी दोनों शामिल हैं।